रास्ते से जारी सीएम के नाम से सस्पेंस रविवार को खत्म हो गया। विधायक दल की बैठक में हिमंत बिस्वा शर्मा को नेता चुन लिया गया, यानी असम के अगले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा होंगे। वहीं सर्वानंद सोनालाल इस रेस से पीछे रह गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी घोषणा की। हिमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनालाल ने बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा और सर्वानंद सोनालाल एक ही कार से विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक की। इसी बैठक में नए सीएम पर मुहर लगी। बता दें कि सर्वानंद सोनालाल और हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ही दिन पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली से मुलाकात की। असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी महासचिव अरुण सिंह को नामित किया था। इसके अलावा पार्टी के संसदीय बोर्ड में तमिलनाडु विधानसभा के भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए किशन रेड्डी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जबकि बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।